Assalamu alaikum, dear students. This is our third lecture from the chapter Metals and Non-Metals. In the previous session, we have discussed the physical and chemical properties of metals. So in this session, we are going to discuss the physical and chemical properties of non-metals. So this is Shakeel Ahmed. Once again, welcome all of you to this wonderful batch, UKAB 1.0. जहां से आपको सारे सब्जेक्ट्स के डिजिटल वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहे हैं विद बेस्ट एवर कंटेंट. चलिए इसी अच्छी बात के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के साथ. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये नॉन मेटल्स कहां पे पाए जाते हैं. चलिए मैं आपको बताता हूं. ये हमारा पीरियडिक टेबल है. पीरियडिक टेबल के अंदर आप जानते हो देयर आर फोर ब्लॉक्स, द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. दीस टू ग्रुप्स they constitute S block of modern periodic table. From group number 3 to group number 12, ये कौन सा block कहलाता है periodic table का, इसको हम D block कहते हैं. और from group number 13 to group number 18, यहां से यहां तक हमारा P block कहलाता है. जो हमारे non-metals होते हैं, वो सारे non-metals किस block के अंदर आते हैं, ये सारे non-metals इस ब्लॉक के अंदर आते हैं, which is called as P block of modern periodic table. तो याद रखेगा, periodic table के right side में आपको क्या नजर आएंगे, आपको non-metals नजर आएंगे, और left side से आपको metals नजर आएंगे. नीचे एक और ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हम F block कहते हैं. तो total कितने non-metals है, there are total 22 non-metals. याद रखेगा बेटा, मैंने बताया पहले lecture के अंदर, there are how many non-metals, there are 22 non-metals. चलिए अब इनकी physical properties को देखते हैं, non-metals की क्या-क्या physical property है. Property number 1, state, as you know, there are total 22 non-metals. ये जो 22 non-metals होते हैं, ये तीनों states में exist करते हैं. Some non-metals, they exist in solid state. एक non-metal ऐसा है जो liquid state में होता है, और rest of the non-metals वो gaseous state में होते हैं. So, in 22 non-metals में 10 non-metals, these are solids at room temperature. One non-metal, उसका नाम मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, उसका नाम है bromine, ये याद रखेगा. तो अगर देखा जाए, total elements के अंदर दो elements ऐसे होते हैं जो exist करते हैं in liquid state at room temperature. एक मेटल्स में आता है, मर्करी आपने देखा, और दूसरा ये नॉन मेटल्स में आता है, इसको हम ब्रोमीन बोलते हैं. और इसमें जो 11 बचे, दे एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, ये गैसेस होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जिसमें आपका ऑक्सीजन आता है, इसमें नाइट्रोजन आता है, इसमें क्लोरीन आता है. अगर इसमें एग्जांपल्स हम देखेंगे, फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, कार्बन आएगा, तो ये सारे क्या है, ये सारे नॉन मेटल्स है. ये इनकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है. तो याद रखना, जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट हो, चाहे वो गैसियस स्टेट हो. ये हो गई इनकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी. चलिए इसके बाद दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं, वो है मेटलिक लस्टर. आपने देखा जो मेटल्स होते हैं उनकी जो अपीयरेंस, वो शाइनी होते हैं. व्हाट अबाउट द नॉन मेटल्स, क्या ये डल इन अपीयरेंस होते हैं, ये भी चमकते हैं जब इन पे लाइट पड़ती है. सो दीज नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, दे आर डल इन अपीयरेंस, डल इन अपीयरेंस. बट इसमें आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, कोई ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन हो जाता है, जो जिसकी सरफेस शाइनी होती है, वो यहां पे आप इसका नाम बताइए, इस नॉन मेटल को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेफाइट. एक तो इसके अंदर ग्रेफाइट आएगा. आप यहां पे देखो, यहां पे कितनी चमक, ये कितना चमक रहा है, ये जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये चमकता है, तो ये इसके अंदर क्या आएगी, ये इसके अंदर एक्सेप्शन आएगी. एक और एक्सेप्शन इसमें आएगी आयोडीन की. तो आयोडीन भी नॉन मेटल है, जिसकी कैसी सरफेस होती है, लस्टरस होती है, जो शाइनी होता है. बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है, दे आर डल इन अपीयरेंस. ये हो गई हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग नॉन मेटल्स. चलिए तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं, वो है हार्डनेस. क्या नॉन मेटल्स हार्ड होते हैं कि सॉफ्ट होते हैं? मेटल्स में आपने देखा जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं. व्हाट अबाउट दीज नॉन मेटल्स, क्या ये भी हार्ड होते हैं? नो, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं. सो नॉन मेटल्स, दे आर सॉफ्ट.
क्योंकि इनकी जो स्टेट वो गैसियस स्टेट होती है या लिक्विड स्टेट होती है, इस वजह से इनके जो अंदर जो पार्टिकल्स वो दूर दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इनकी जो हार्डनेस वो भी कम होती है। मगर इसमें आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, इस तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आपने एक एक्सेप्शन याद रखनी है, वो है डायमंड। डायमंड डायमंड क्या है? ये एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन नॉन मेटल है, तो कार्बन की एक एलोट्रॉपिक फॉर्म जिसमें डायमंड आता है। डायमंड हार्डेस्ट एवर सब्सटेंस जो नेचर में पाया जाता है, ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है, आप फास्फोरस को देखो, आप सल्फर को देखो, वो सारे क्या होते हैं, दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ये हो गई तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मैंने आपको मेटल्स में पढ़ाया, मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है, एक मेटल की एबिलिटी होती है, जब हम उसको बीट करते हैं तो वो मेटल कन्वर्ट होता है शीट्स में। क्या नॉन मेटल्स भी कन्वर्ट होते हैं शीट्स में जब उनको बीट किया जाता है? नो, कभी नहीं। तो दे आर नॉन मेलेबल, हम कह सकते हैं दे आर नॉन मेलेबल, दे आर नॉट मेलेबल, दे आर नॉन मेलेबल। मगर इसमें एक्सेप्शन आपने बेटा याद रखनी है, एक्सेप्शन आप याद रखेंगे यहां पे कार्बन फाइबर की, कार्बन फाइबर। बाकी जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं, आप फास्फोरस को देखो, उसको ब्रेक करो आप, सॉरी उसको आप बीट करो, तो वो ब्रेक हो जाएगा इनटू द पीसेस। इसका मतलब उनसे हम शीट्स नहीं बना सकते हैं। मगर इसमें एक एग्जांपल, एक एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, वो है कार्बन फाइबर की, इट इज मेलेबल। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी वो है डक्टिलिटी। क्या नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं? क्या हम इनसे वायर बना सकते हैं? क्या हम इनसे तार ड्रा कर सकते हैं? क्या हम इनसे तार बना सकते हैं? ना, इनसे हम तार भी नहीं बना सकते हैं। इट मीन्स दैट जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर नॉन डक्टाइल। तो एक सेंटेंस में हम ये कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं नीदर दे आर मेलेबल नॉर दे आर डक्टाइल। ना ये मेलेबल होते हैं ना ये डक्टाइल होते हैं। अगर ये मेलेबल नहीं होते ना डक्टाइल होते, ये क्या होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर, वो भी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, क्या ये डक्टाइल होते हैं? क्या हम इनसे वायर बना सकते? कभी नहीं बना सकते। मगर एक एक्सेप्शन आप इसमें याद रखेंगे, इसमें एक्सेप्शन नॉन मेटल्स के अंदर आती है, वो है कार्बन फाइबर की। कार्बन फाइबर से हम वायर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये भी मैंने आपको बताया, एक एलिमेंट की एबिलिटी टू बियर कंसिडरेबल लोड विदाउट गेटिंग ब्रोकन, जो अपने आप में बहुत या बहुत ज्यादा वेट लेता है विदाउट ब्रोकन या विदाउट गेटिंग ब्रोकन, टूटने के बगैर अपने आपके ऊपर जो बहुत ज्यादा वेट लेता है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, क्या इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है? जी हाँ, इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ वो कम होती है। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एक्सेप्शन इसमें भी आपने यही याद रखनी है, कार्बन फाइबर। यहां पे आप देखो, दिस इज द कार्बन फाइबर, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। ये अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा लोड बर्दाश्त कर लेता है, ये ब्रेक नहीं होता है। तो इसका मतलब जो ये कार्बन फाइबर है, ये नॉन मेटल है, लेकिन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। जनरली बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत बहुत कम होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं एक और प्रॉपर्टी, वो है मेल्टिंग पॉइंट। बताइए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, या मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखेंगे। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की जो प्रॉपर्टी, ये डिपेंड करता है पैकिंग ऑफ एटम्स इन द एलिमेंट। एक एलिमेंट के अंदर एटम्स की पैकिंग कैसी है? अगर टाइटली पैक्ड होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा होगा। नाउ इन केस ऑफ द नॉन मेटल, जब हम इनमें पैकिंग देखते हैं एटम्स की, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूजली अरेंज्ड। इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर जो नॉन मेटल्स होते हैं, कोई भी नॉन मेटल आप देख लीजिए, उनके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वहां पे गैप होती है, स्पेस होती है। जब स्पेस होगी एटम्स के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत कम होगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है। मगर इसमें भी आपने एक्सेप्शन याद रखनी है, डायमंड। डायमंड चूंकि नॉन मेटल है, डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट वो एक्सेप्शनली हाई है। कितना है? इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस। आयरन का आपने देखा कल, इट इज 1535। तो मेल्टिंग पॉइंट से आप ये देख सकते हो कि एक सब्सटेंस कितना हार्ड है।
ये डायमंड आयरन से कितना हार्ड है, उसका 1535 डिग्री सेल्सियस ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसका आप देख लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, वो है 4000 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सेप्शनली इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई है। तो इसके बाद अगर एक और नॉन मेटल को हम देखेंगे वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट वो भी तकरीबन 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस, ये भी बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। तो जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, दे हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स, एक्सेप्शन में आप डायमंड और ग्रेफाइट का याद रखिएगा, इसका इतना होता है और ग्रेफाइट का 3300 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए इसके बाद वन मोर प्रॉपर्टी, वो है डेंसिटी। कल भी मैंने बताया या प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने बताया डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी का मतलब होता है कि ये टर्म असल में आपको ये बताती है कि कौन सी चीज हल्की और कौन सी चीज भारी है। एक चीज हल्की है कि भारी है वो हम इस टर्म से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और डेंसिटी किस चीज पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द एलिमेंट या इन द सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर एटम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, जितने ज्यादा एटम्स नजदीक होंगे तो उतनी उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। यहाँ पे जो क्योंकि इनकेस ऑफ नॉन मेटल जो एटम्स वो थोड़े दूर होते हैं, उनके बीच में स्पेस होती है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो कम वॉल्यूम के अंदर कम एटम्स ये ऑक्यूपाई हो रहे हैं, इसका मतलब इनकी डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल्स। सो दे हैव लो डेंसिटी, दे हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू मेटल्स। मेटल्स में आपने क्या देखा, जो एटम्स वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होंगे, जब टाइटली पैक्ड होंगे तो मोर नंबर ऑफ एटम्स उसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे, जितने एटम्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे उतनी उसकी डेंसिटी होगी। अब यहां पे जो एटम्स वो लूजली पैक्ड होते हैं, कम एटम्स उसमें आ जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिस वजह से इसकी डेंसिटी वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आपने याद रखनी है, एक्सेप्शन यहां पे भी किसकी आएगी, यहां पे डायमंड की एक्सेप्शन आएगी, एक्सेप्शन इज डायमंड, तो ये भी याद रखेंगे आप डायमंड। इसके बाद चलिए इसके बाद देखते हैं ब्रिटलनेस, क्या जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स हमारे होते हैं क्या ये ब्रिटल होते हैं? यस ऑफ कोर्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। इसका मतलब जब हम इनको हैमरिंग करते हैं क्या होता है, शीट्स में कन्वर्ट होते हैं? नो, ये ब्रेक हो जाते हैं इनटू द पीसेस, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ब्रिटलनेस। फास्फोरस को देखो आप, सल्फर को देखो आप, कार्बन के इस फॉर्म को देखो जो आपके पास ये ग्रेफाइट होता है, तो ग्रेफाइट को जब हम जो पेंसिल लेड होती है अगर हम उसको हैमरिंग करेंगे क्या होगा, व्हाट विल हैपन देयर, यहां वहां पे जो ग्रेफाइट के जो वो पेंसिल लेड होती है वो ब्रेक होती है इनटू द पीसेस, इट मींस दैट द नॉन मेटल्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। इसके बाद थर्मल कंडक्टिविटी, क्या नॉन मेटल से हीट पास होती है, ट्रांसफर होती है? नहीं, जो भी नॉन मेटल होता है, कोई भी नॉन मेटल, दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट, बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट। याद रखना बेटा, जो नॉन मेटल्स होते हैं चाहे वो फास्फोरस हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो सल्फर हो, चाहे वो कोई और नॉन मेटल हो, वो सारे नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ हीट। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्या इनमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है, क्या इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? ये प्रॉपर्टी भी इन पे सूट नहीं करती है, दे आर बेड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, याद रखना। मगर इसमें एक एक्सेप्शन, वो आपने जरूर याद रखनी है, वो इसकी एक्सेप्शन है। यहाँ पे आप ये देखो, ये क्या हमने यहाँ पे दिखाया, व्हाट आर दीज, दीज आर द ग्रेफाइट लेड्स या पेंसिल लेड्स, जो पेंसिल के अंदर हम यूज करते हैं, these are the graphite leads, ye graphite leads se, to these graphite leads ye kya hote hain, they are good conductors of electricity, ye isme exception, isme exception yaad rakhenge aap, exception is what, wo hai graphite, baki jitne bhi non metals hote hain, what they are bad conductors of electricity। iske baad ek aur property, वो है सोनरिटी, क्या नॉन मेटल्स सोनरस होते हैं? जब हम इनको हिट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं विद एनी अदर सब्सटेंस, क्या इनसे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है? दे आर नॉन सोनरस, ये भी याद रखना, दे आर नॉन सोनोरस, इनसे कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। चलिए इसके बाद नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पे नजर डालते हैं, इनकी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी हमने
डिस्कस कर रही हूं और किस केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है। चलिए देखते हैं पहली केमिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के अंदर, व्हाट हैपेंस इफ नॉन मेटल्स आर रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट होंगे, जैसे कि आपने मेटल्स में देखा जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं वहां पे मेटल ऑक्साइड बनता है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। सम मेटल ऑक्साइड्स आर इंपोर्टेड इन नेचर बट मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर बेसिक इन नेचर। व्हाट हैपेंस इफ नॉन मेटल इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन। अब अगर हम नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराएंगे वहां पे क्या बनेगा, जो वहां पे ऑक्साइड बनेगा क्या उसका भी नेचर बेसिक होगा कि उसका कोई और नेचर होगा। चलिए आपको यहां पे जनरल रिएक्शन दिखाते हैं। ये हमारा नॉन मेटल है, दिस आवर नॉन मेटल। जब नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट होगा, व्हेन इट विल रिएक्ट विद दिस एलिमेंट कॉल्ड एज ऑक्सीजन, तो यहां पे क्या बनेगा, कौन सा ऑक्साइड बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा। डियर स्टूडेंट्स यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, जो यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है। अब बताइए इसका नेचर क्या होगा, क्या ये एसिडिक होगा कि ये बेसिक होगा कि इसका कोई और नेचर होगा। जो यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड्स बन रहे हैं या जो नॉन मेटल ऑक्साइड यहां पे बनता है, या तो इसका एसिडिक नेचर होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, या इसका न्यूट्रल नेचर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रल इन नेचर होता है। मैं फिर से बता रहा हूं पहली केमिकल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नॉन मेटल्स। अब अगर हम वापस जाएंगे मेटल्स पे देखेंगे तो मेटल्स में आपने क्या देखा, जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड वहां पे बनता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, वो बेसिक होता है। मगर यहां पे आप देखो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा यहां पे क्या बनेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। मगर इस नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर या तो एसिडिक होगा या तो न्यूट्रल होगा। एसिडिक का मतलब अगर हम उस नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो वो एसिड बनाएगा। न्यूट्रल का मतलब अगर हम उसको पानी में या उसको एसिड में रिएक्ट कराएंगे, उसको बेस में रिएक्ट कराएंगे, वो रिएक्ट नहीं होंगे। ऐसे ऑक्साइड्स को हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं। ये जब पानी में, ऐसा ऑक्साइड जब पानी में डिसॉल्व किया जाता है तो ये क्या बनाता है, ये एसिड बनाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको एसिडिक ऑक्साइड्स की एग्जांपल यहां पे बताऊंगा। एसिडिक ऑक्साइड्स, गौर से सुनिएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स कौन से नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। हम कार्बन लेते हैं, कार्बन को अगर हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीजन, इसकी अगर हम कंबशन करेंगे तो कंबशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन की सप्लाई यहां पे ज्यादा होगी, यानी ऑक्सीजन यहां पे एक्सेस होगा, जरा आप मुझे बताइए यहां पे कौन सा नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा जो हर एक के इस जबान पे रहता है, वो है CO2 हमारा, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जो यहां पे नॉन मेटल ऑक्साइड बना। अब आपने बताना है ये जो नॉन मेटल ऑक्साइड यहां पे बना, इसका नेचर एसिडिक है कि न्यूट्रल है कि बेसिक है। चलिए हम इसको एक काम करते हैं, इस CO2 को हम H2O के अंदर डिसॉल्व करते हैं। जब हम इसको इसके अंदर डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे बनता है H2CO3, दिस इज कॉल्ड एज कार्बोनिक एसिड, इसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। बताइए अब इस नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, क्या इसका नेचर न्यूट्रल है, क्या इसका नेचर बेसिक है, ना इसका नेचर एसिडिक है। क्यों, पानी में डिसॉल्व करने के बाद इसने आपको क्या दिया, इसने आपको ये एसिड दिया जिसका नाम कार्बोनिक एसिड। ये पहली एग्जांपल आप याद रखेंगे इन केस ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड्स। इसके बाद दूसरी एग्जांपल सल्फर, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। जब ये रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ यहां पर बनता है सल्फर डाइऑक्साइड। जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है इसका नेचर बताना है न्यूट्रल है कि एसिडिक है। चलिए देखते हैं इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी में डिसॉल्व करेंगे SO2, व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन H2O वाटर, तो यहां पे एक और एसिड बनता है उसको हम H2SO3 बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ए सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड यहां पे बन रहा है, इसका मतलब ये जो दो मैंने मेटल ऑक्साइड आप बताए, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, दे आर एसिडिक इन नेचर एज दे प्रोड्यूस या एज दे फॉर्म एसिड्स व्हेन दे आर डिसॉल्वड इन वाटर, जब इनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। याद रखना जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है, और जो नॉन मेटल ऑक्साइड यहां पे बनता है या तो उसका नेचर एसिडिक होगा
या उसका नेचर न्यूट्रल होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, शाबाश। इसके बाद न्यूट्रल ऑक्साइड्स का मैं यहां पे आपको बताऊंगा, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कौन से नॉन मेटल्स न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं। चलिए आपको यहां पे यही कार्बन का बताऊंगा। कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, मगर इस ऑक्सीजन की अगर जो इसका अगर अमाउंट, इसकी जो सप्लाई अगर वो इनसफिशिएंट होगी, इनसफिशिएंट, तो यहां पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कि कोई और कंपाउंड बनेगा, यहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। दिस कार्बन मोनोऑक्साइड नए एसिड के साथ रिएक्ट होगा, नए बेस के साथ रिएक्ट होगा। इसका मतलब इस नॉन मेटल ऑक्साइड को हम क्या बोलेंगे, इट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ने यहां पे एक और ऑक्साइड बनाया, नॉन मेटल ऑक्साइड बनाया विच इज न्यूट्रल इन नेचर, जो एसिड के साथ ना रिएक्ट हो रहा है ना बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है। चले इसके बाद एक और एग्जांपल आपको बताएंगे। H2 इज अ नॉन मेटल, जब इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड जो यहां पे बनेगा वो बनेगा H2O विच इज कॉल्ड एज वाटर, तो ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। एक और एग्जांपल N2 नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल, जब इसको हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो यहां पे बनेगा NO, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी इट इज कॉल्ड एज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्या होता है, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो लास्ट में शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा आपने क्या याद रखना है, जब नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाते हैं, डीफॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड, और उस नॉन मेटल ऑक्साइड का या तो नेचर एसिडिक होगा या तो नेचर न्यूट्रल होगा। चलिए इसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग द नॉन मेटल्स वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। चलिए हम दूसरे लेक्चर में जाएंगे जहां पे हमने पढ़ा था जब मेटल्स रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ तो वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। क्या नॉन मेटल्स भी पानी के साथ रिएक्ट होके हाइड्रोजन गैस देते हैं? जनरली जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं दे डजंट रिएक्ट विद वाटर, रिमेंबर दिस थिंग। जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये याद रखना। हमने वहां पे देखा था जो मेटल्स वो पानी के साथ रिएक्ट होके क्या देते थे, हाइड्रोजन गैस देते थे। क्या ये भी हाइड्रोजन गैस देते हैं जो ये 22 नॉन मेटल्स है? नो, जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते, हाइड्रोजन गैस नहीं देते। बट एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल की हम यहां पे जरूर बात करेंगे, वो है फ्लोरीन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर पीरियडिक टेबल के अंदर देखा जाए वो कौन है, वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन को जब हम पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, दिस इज F2 प्लस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसको अगर हम पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं, जनरली बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हो दे डजंट रिएक्ट विद वाटर, बट दिस नॉन मेटल इट रिएक्ट्स विद वाटर। व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, एक तो ये एसिड बनाता है और साथ में यहां पे ऑक्सीजन एंड ओजोन बनाता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये एसिड होता है, प्लस यहां पे O2। अब यहां पे हाइड्रोजन 4 ये आ गया, यहां पे 4, हाँ ठीक है। देखो ये यहां पे क्या हुआ, आपने फ्लोरीन लिया, फ्लोरीन को आपने रिएक्ट कराया किसके साथ, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं होते। दिस फ्लोरीन व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, जब इसके साथ रिएक्ट होता है, एक तो एसिड देता है और साथ में क्या देता है, इट गिव्स ऑक्सीजन। यहां पे इसी फ्लोरीन को अगर हम रिएक्ट कराएंगे फिर से किसके साथ, इस H2O के साथ, H2O के साथ यानी वाटर के साथ, तो यहां पे फिर से क्या बनेगा, यहां पे HF बनेगा प्लस यहां पे O3, दिस O3 इज कॉल्ड एज ओजोन, दिस इज कॉल्ड एज ओजोन 3, हां यहां पे आएगा 3, आएगा 6, हाँ ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो जो फ्लोरीन है किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है दे डजंट रिएक्ट विद वाटर। बट दिस हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट होता है तो कभी आपको ऑक्सीजन देता है, कभी आपको ओजोन देता है। ये केमिकल प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। इसके बाद वन मोर केमिकल प्रॉपर्टी, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद, सॉरी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, इट इज रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डायल्यूट एसिड्स। देखिए आपने देखा जब मेटल्स
डायल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किए जाते हैं, वहां पे मेटल साल्ट और वहां पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। चले पहले मैं आपको बताऊं वहां पे वो हाइड्रोजन गैस कैसे इवॉल्व होता है। अगर हम ये वाला एसिड लेंगे H2SO4, मेटल आपने इसमें ये ऐड किया, तो मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को बाहर निकालता है। पहले ये दो हाइड्रोजन एटम्स बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। फिर ये एच पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और ये दो हाइड्रोजन के आयंस कन्वर्ट होते हैं इनटू द H2 गैस। मेरी बात गौर से सुनिएगा, एसिड क्या करते हैं, जब एसिड में हम किसी मेटल को डालते हैं तो वो मेटल इस हाइड्रोजन, जो यहां पे दो हाइड्रोजन एटम्स है, मैंने यहां पे जो एसिड लिया वो है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम कोई मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम डालते हैं, तो सोडियम क्या करता है, सबसे पहले इन दो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। तो ये दो एच पॉजिटिव आयंस बाहर निकलते हैं, फिर यही एच पॉजिटिव आयंस कन्वर्ट होते हैं किसमें, गैस में। कब, जब ये दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स कब गेन करेंगे, जब इसको देने वाला, ये दो इलेक्ट्रॉन्स ये कहां से लाता है, ये मेटल से लाता है जो आपने इसमें मेटल ऐड, जो आप इसमें मेटल ऐड करते हो। जब आप मेटल ऐड करते हो, मेटल ऐड करने से ये दो हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं इस फॉर्म में। अब इसको दो और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये क्या बनाए, ये हाइड्रोजन गैस बनाए। जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आते हैं, ये कौन देता है, क्योंकि मेटल्स का काम क्या होता है, हमने बताया मेटल्स दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। तो जब मेटल्स देते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो हाइड्रोजन जो एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये किस में कन्वर्ट होता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द हाइड्रोजन गैस। अब अगर यहां पे नॉन मेटल्स को देखेंगे, नॉन मेटल्स के अंदर, नॉन मेटल्स को हम एसिड में डालेंगे, नॉन मेटल्स तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, वो तो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, वो कहां देंगे। तो इसका मतलब जब नॉन मेटल्स को हम किस में रिएक्ट कराएंगे, किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या वहां पे कोई H2 गैस निकलेगा, कोई गैस नहीं निकलेगा। रीजन क्या है, फिर से बता रहा हूं, जो आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आपने इसमें मेटल ऐड किया, इस एसिड के अंदर दो हाइड्रोजन पहले बाहर निकलते हैं किस फॉर्म में, आयन की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, फिर वही आयन कन्वर्ट होते हैं किस में, गैस की फॉर्म में। कब, जब वो आयन क्या एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स तब एक्सेप्ट करेंगे जब इनको देने वाला कोई होगा, तो वहां पे देने वाला तो मेटल होता है, क्योंकि मेटल्स की एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते और ये लेते, इसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, हाइड्रोजन गैस में। अब यहां पे हमने नॉन मेटल को किस में डाला, एसिड के अंदर डाला, किसी नॉन मेटल को हमने एसिड के अंदर डाला, वहां पे ये जो दो हाइड्रोजन निकलेंगे ये कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे किस में, हाइड्रोजन गैस में, इनके लिए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो वहां पे देने वाला कोई नहीं है, वहां तो लेने वाला है, ये कहां से, ये हाइड्रोजन आयन्स किस में कन्वर्ट होंगे, ये गैस में कन्वर्ट नहीं होंगे। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट, जनरली जो भी नॉन मेटल है, दे डू नॉट रिएक्ट विद, ये याद रखना, दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। शॉर्ट में आपने यही याद रखना है। क्या अगर आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए क्या नॉन मेटल्स रिएक्ट होते हैं एसिड्स के साथ, नो, नॉन मेटल्स डजंट रिएक्ट विद एसिड्स, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी, उस नॉन मेटल की जो रिएक्टिविटी वो कम होती है देन द हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द एसिड। होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी पे नजर डालते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द सोल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल साल्ट। मेटल्स में भी हमने पढ़ा, अगर हम एक साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर मेटलिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर नॉन मेटलिक पार्ट भी प्रेजेंट होता है। यहां पे हम एक साल्ट सॉल्यूशन लेंगे, फॉर एग्जांपल वी हैव अ साल्ट सॉल्यूशन NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, इसका हमने सॉल्यूशन बनाया है। इस सॉल्यूशन के अंदर जो ये आपका Na है, ये मेटलिक पार्ट है, और जो ये Br है, ये नॉन मेटलिक पार्ट है, दिस इज नॉन मेटलिक पार्ट, ये याद रखना। ये आपके पास एक साल्ट है, एक साल्ट का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो नॉन मेटल प्रेजेंट है वो क्या है, ब्रोमीन। हम यहां पे काम करेंगे, इसके साथ हम एक और नॉन मेटल ऐड कर रहे हैं, यानी नॉन मेटल हम किस में डाल रहे हैं, साल्ट सॉल्यूशन में, उस साल्ट सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी एक नॉन मेटल प्रेजेंट है। मगर यहां पे क्या होगा, अगर ये नॉन मेटल जो आप उस सॉल्यूशन में डाल रहे हो, अगर वो नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा देन द नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट, विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द साल्ट सॉल्यूशन, व्हाट हैपेंस, क्या होगा, क्या ये इसकी जगह नहीं लेगा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, तो यहां पे क्या बनेगा,
दिस क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन ब्रोमीन. तो मुझे बताइए यहां पे जो आपका नया साल्ट सॉल्यूशन बनेगा, किसका साल्ट? चलिए हम इसका नाम, ये आपके पास नॉन मेटल का साल्ट सॉल्यूशन, ये नॉन मेटल का नाम हम बी रखते हैं. शाबाश, दिस इज नॉन मेटल बी और ये आपका नॉन मेटल ए है. तो दिस इज द साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल बी. साल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल बी में आप नॉन मेटल ए ऐड कर रहे हो, तो यहां पे नया साल्ट सॉल्यूशन बनेगा. ये जो नया साल्ट सॉल्यूशन बनेगा ये किसका होगा? ये नॉन मेटल ए का होगा. और डिस्प्लेस किसको यहां पे किया गया? Br2 ब्रोमीन को यहां पे डिस्प्लेस किया गया. होप आपको ये समझ में आया होगा. मैं फिर से बता रहा हूं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल साल्ट्स क्या होगा? जब हम नॉन मेटल को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं. साल्ट सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट्स, मेटलिक पार्ट, नॉन मेटलिक पार्ट. अगर आपका जो नॉन मेटल जो आप इसमें डाल रहे हो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा साल्ट सॉल्यूशन के अंदर के जो साल्ट सॉल्यूशन के अंदर जो नॉन मेटल उससे ज्यादा रिएक्ट होगा, तो ये नॉन मेटल इस नॉन मेटल को क्या करेगा? यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. यहां पे आपको एक नया साल्ट मिलेगा और यहां पे जो पहले साल्ट के अंदर जो नॉन मेटल था वो डिस्प्लेस हो जाएगा. ये एक और रिएक्शन है. इसके बाद एक और रिएक्शन आपको यहां पे दिखाते हैं. चलिए यहां पे हम लेंगे एक और साल्ट. दिस इज के आई, पोटेशियम आयोडाइड. ये इसके अंदर मेटलिक पार्ट, ये इसके अंदर नॉन मेटलिक पार्ट, आयोडीन. तो इसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं क्लोरीन. दिस क्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव देन द आयोडीन. बताइए यहां पे कौन सा साल्ट बनेगा, किसका वो साल्ट होगा? वो क्लोरीन का साल्ट होगा, KCl प्लस. यहां पे क्या बाहर निकला, डिस्प्लेस क्या हुआ? इट इज आयोडीन. तो ये याद रखेंगे आप, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ अदर नॉन मेटल साल्ट्स. ये हो गए चार केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ मूव टू द फिफ्थ वन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन. क्या होता है जब नॉन मेटल्स को हम रिएक्ट करते हैं? किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. आपने मेटल्स को रिएक्ट कराया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. वहां पे मेटल हाइड्राइड बनता था. मेटल हाइड्राइड का नेचर आयनिक होता है, दे आर आयनिक कंपाउंड्स. नाउ व्हाट अबाउट दीज नॉन मेटल हाइड्राइड्स? जब नॉन मेटल को हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे मेटल नॉन मेटल हाइड्राइड बनता है. यहां पे हम लिखेंगे नॉन मेटल. जनरल रिएक्शन में आपको यहां पे दिखाऊंगा जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. यहां पे क्या बनेगा? यहां पे बनेगा नॉन मेटल हाइड्राइड. नॉन मेटल हाइड्राइड, इनका जो नेचर, क्या ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं कि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं? दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है. कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? जहां पे दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उस वक्त जो बॉन्ड बनता है उसी बॉन्ड को हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. एंड कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवलेंट बॉन्ड्स दे आर कॉल्ड एज कोवलेंट कंपाउंड्स. अब नॉन मेटल को आपने रिएक्ट करना है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. चलिए हम यहां पे नॉन मेटल लेते हैं S8 सल्फर. ये नॉन मेटल है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ. बताइए यहां पे कौन सा नॉन मेटल हाइड्राइड बनेगा? यहां पे जो नॉन मेटल हाइड्राइड बनेगा दिस इज कॉल्ड एज H2S. इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. बेटा क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? शाबाश. इसके बाद एक और नॉन मेटल लेते हैं N2. ये भी नॉन मेटल है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ. जब इसको रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, बताइए यहां पे कौन सा नॉन मेटल हाइड्राइड बनेगा? यहां पे बनेगा NH3, अमोनिया जिसको हम बोलते हैं. तो अमोनिया भी कौन सा, ये इसका नेचर क्या होगा? इसका नेचर भी कोवलेंट इन नेचर, या ये भी कोवलेंट कंपाउंड होगा. तो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स वो कम होता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. कोवलेंट बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है. इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है. वो एक्ट करते थे एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड दे एक्ट एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये आगे जाके फिर से रिपीट होने जा रहा है या डिस्कस अलग टॉपिक के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे. फिलहाल आप याद रखना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन, व्हाट हैपेंस इफ
नॉन मेटल्स आर रिएक्टेड विद हाइड्रोजन, वहां पे क्या बनता है, वहां पे नॉन मेटल हाइड्राइड बनता है, और इस नॉन मेटल हाइड्राइड का नेचर ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, या इसका नेचर कोवलेंट ही नेचर होता है, मतलब यहां पे इनके बीच में जो नॉन मेटल हाइड्राइड्स के बीच में जो ये जो बॉन्ड्स होते हैं दे आर कोवलेंट बॉन्ड्स विच आर फॉर्मड बाय शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स. इसके बाद एक और प्रॉपर्टी, एक और केमिकल प्रॉपर्टी, सिक्स्थ वन, व्हाट इज दैट? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद क्लोरीन. तो यहां पे क्या होता है, हमने देखा जब मेटल्स को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल क्लोराइड्स बनते हैं, और मेटल क्लोराइड्स का नेचर आयनिक होता है. अब यहां पे जब हम नॉन मेटल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, जब नॉन मेटल्स को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, नॉन मेटल क्लोराइड. यहां पे क्या बनेगा, नॉन मेटल क्लोराइड का नेचर क्या होगा, आयनिक और कोवलेंट, ये याद रखना इसका नेचर कोवलेंट होगा. देखिए यहां पे नॉन मेटल, कोई नॉन मेटल, जब दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड बनता है, ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड कैसे बनाते हैं, बाई म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है द बॉन्ड इज कॉल्ड इज कोवलेंट बॉन्ड एंड द कंपाउंड्स आर कॉल्ड इज कोवलेंट कंपाउंड्स. चलिए कोई नॉन मेटल हम यहां पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल H2 हमारे पास नॉन मेटल है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे Cl2 के साथ, ये क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, यहां पे कौन सा नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, उसको हम HCl बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इट्स अ नॉन मेटल क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. एक और एग्जांपल P4 फास्फोरस, मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लस Cl2 क्लोरीन, दो नॉन मेटल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल क्लोराइड. यहां पे कौन सा नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा, PCl3, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसको हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड. ये भी, इसका भी नेचर क्या होगा, शाबाश, ये भी कोवलेंट इन नेचर होगा. ये हो गई सिक्स्थ केमिकल प्रॉपर्टी. चलिए इसके बाद लास्ट पे आ जाते हैं, इसका कौन सा नेचर होता है, जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, ये क्या एक्ट करते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस. मेरी बात गौर से सुनिएगा, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने लॉस करता है, ये गेन करता है, ये तभी लॉस करेगा, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं. यहां पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, सोडियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन इस सोडियम की ऑक्सीडेशन तब होगी जब लेने वाला कोई होगा, अगर ये लेने वाला नहीं होता, ये किसको अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को देता, इसका मतलब जो यहां पे ये क्लोरीन जो कि नॉन मेटल होता है, ये यहां पे किसका काम कर रहा है, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये इसको ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन तब देगा जब ये लेने वाला होगा. जो नॉन मेटल्स होते हैं, व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स देते नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन्स किन से लेते हैं, ये उनसे लेते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन होती है. तो ये किसका काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उस एजेंट को बोलते हैं जो किसी को ऑक्सीडाइज करने में मदद करता है. तो यहां पे क्लोरीन किसको ऑक्सीडाइज होने में मदद करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ले कौन रहा है, क्लोरीन ले रहा है. अगर क्लोरीन नहीं होता तो इसकी ऑक्सीडेशन कहां होती, इसका मतलब ये है इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन किसकी बदौलत हो रही है, क्लोरीन की बदौलत हो रही है. तो इसका मतलब ये इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने में मदद करता है. सो दिस क्लोरीन, दिस नॉन मेटल, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये किसका काम करता है, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं, वो किस में मदद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं फ्रॉम द मेटल्स, मेटल्स से वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, मेटल्स की ऑक्सीडेशन होती है, तो मेटल्स को वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, खुद इनकी रिडक्शन हो रही है. लेकिन ये क्या करते हैं, ये एक्ट क्या करते हैं, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं, ये किसी को रिड्यूस, ये किसी को ऑक्सीडाइज करने में मदद करते हैं. जो किसी को ऑक्सीडाइज करते हैं दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं. होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन
metals and non-metals on the basis of physical properties and on the basis of chemical properties. So ये दो lectures के अंदर हमने दो important topics discuss किए. I hope कि आपको ये दोनों lectures अच्छे से समझ आए होंगे, आपने इनको अच्छे से enjoy किया होगा. अब next session के अंदर हम एक और टॉपिक आपके आपके सामने लाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आप का ख्याल रखिए. फी अमानिल्लाह.